नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए तालिब हुसैन के हवाले से बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आपको बताते चले कि लश्कर आतंकी तालिब को लेकर यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। पत्रकार की आड़ में भाजपा नेताओं की रैकी कर रहा था तालिब हुसैन, और भाजपा नेताओं की हर गतिविधि को पाक हैंडलों को यहां पर भेज रहा था, और आतंकी के भाजपा के साथ संबंधों से पार्टी ने एक बार फिर से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, आतंकी के भाजपा के साथ संबंधों से पार्टी ने यहां पर इनकार कर दिया है, और आतंकी तालिब की निशानदेही पर राजौरी में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस दौरान 4 स्टिकी बम मिले हैं जो पूरी तरह से तैयार थे, और ये बम बिल्कुल उनके जैसे हैं जो कठुआ में इसी वर्ष 29 मई को मिले थे। यानी पूरी तरह से आप देखिए एक बड़ी घटना को अंजाम इसकी तरफ से दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए धर दबोच लिया है। ग्रामीणों ने अपनी मुस्तैदी यहां पर दिखाई है, और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि रियासी में इसे पकड़ा गया था खूंखार आतंकी जो कि तालिब हुसैन है, और कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में टारगेट किलिंग करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क ये यहां खड़ा कर रहा था, जिसके निशाने पर संभाग के कई बड़े नेता हैं, और नेताओं से लेकर सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। और टारगेट किलिंग के जरिए संभाग में न सिर्फ आतंकवाद को दोबारा से जिंदा करना था, उसके बाद यहां पर बढ़ावा देना भी था, क्योंकि राजौरी और पुंछ में 90 के दशक से पहले आतंकी गतिविधियां देखी गई थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से आतंकियों को वहां से खदेड़ा गया। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट आप देखिए, लश्कर आतंकी तालिब को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पर पत्रकार की आड़ में भाजपा नेताओं की रैकी कर रहा था ये, और भाजपा नेताओं की हर गतिविधि को लेकर पाक हैंडलरों तक भेजने का काम कर रहा था, और आतंकी के भाजपा के साथ संबंधों से पार्टी ने एक बार फिर से यहां पर इनकार कर दिया है। लेकिन इस वक्त आप देखिए खुद यहां स्टिकी बम से हमला करके माहौल खराब करना भी ये चाहता था। इस तरह से बड़े खुलासे यहां पर तालिब की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है, और एक एक करके पूछताछ भी की जा रही है। तालिब यहां जम्मू, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, राजौरी और पुंछ में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों का नेटवर्क खड़ा करना चाह रहा था, और उसके बाद ही आप देखिए आगे की किस तरह से घटनाएं जो है वो हो सकती थी। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर इस आतंकवादी को धर दबोच लिया गया। भाजपा की तरफ से आज बड़ा ऐलान और बड़े खुलासे सामने रखे गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रितिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितिका, जिस तरह से अध्यक्ष की तरफ से आज यहां बड़ा खुलासा किया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने के फोटो वीडियो वायरल की जा रही थी, जिसमें उनका कनेक्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों के साथ जुड़ के बताया जा रहा था। पर आज की एक प्रेस वार्ता की गई थी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना की तमाम तरीके की क्वालिफिकेशन दी गई। उसमें ये कहा गया है कि जो तालिब गिरफ्तारी हुई है, किसी एक आतंकवादी है, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उल्टा वो एक पत्रकार यहाँ पे एंट्री करके अंदर आता था, हर तरह के प्रोग्राम पे वो एक पत्रकार के रूप में ही आता था, और कहीं ना कहीं वो रैकी करने के लिए आया था। यहाँ के जितने भी बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी वीडियोस बना के, उनकी फोटोज लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भेजने का काम करता था। कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर जो है वो टेररिस्ट के टारगेट पे है, और उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए तालिब हुसैन को एक पत्रकार के बीजेपी के दफ्तर में भेजा था। रितिका, जिस तरह से आज आप देखिए लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी किया गया, उससे पहले कांग्रेस भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, आज पीडीपी भी धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं उन सभी बातों पर आज पूर्ण विराम लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टारगेट कर रही है बीजेपी को, क्योंकि फोटोज और वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें अलग अलग नेता जो है बीजेपी के वो उस आतंकवादी के साथ नजर आ रहे हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अलग अलग लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी उसके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हीं पे पूर्ण विराम लगाने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा तमाम तरीके की बातें बाहर निकाल के रखी गई कि आखिरकार वो फोटो उस व्यक्ति के साथ किस रूप में बाहर आ रही। तो सबसे बड़ा वजह उसकी जो बताई वो ये था कि पत्रकारों को जो एक निमंत्रण होता है हर एक प्रोग्राम की कवरेज के लिए, तो इसीलिए पत्रकार पे कोई शक भी नहीं करता, तो इसी मौके का फायदा जो था वो उठाया गया आतंकवादियों के द्वारा। उनका एक प्री प्लान था कि आतंकवादी को पत्रकार के रूप में वो जम्मू के बीजेपी दफ्तर में भेजेंगे, तो तमाम तरीके की बातों को अपने पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी इनके टेरर लिंक हैं, जो भी इनके टेरर ग्रुप्स हैं,
वहां तक तमाम जानकारी क्या लगता है पहुंचाएंगे। और रितिका कि अब हमें अगर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या फिर प्रेस रिलीज होती है तो वहां पर किस तरह से आईडी प्रूफ चेक करने की जरूरत है, गश्त को लगाने की जरूरत है, चेकिंग वहां पर होने की जरूरत है कि कौन यहां पर पत्रकार है और कौन नहीं है और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत जो है वो दी जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तमाम बात जो है ये शुरुआत इनकी हो चुकी है। आप जिसको भी एंट्री करनी होगी बीजेपी दफ्तर में या तमाम जगहों पे, चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, उनकी चेकिंग जो है वो की जा रही है, उनके आईडी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं, उनकी एंट्री एग्जिट जो है वो भी रिकॉर्ड की जा रही है, सीसीटीवी कैमरा रजिस्टर पे उसकी एंट्री, तमाम उनकी जानकारी जो है वो प्राप्त की जा रही है। उसके बाद ही आप तमाम पत्रकारों को भी जो अंदर एंट्री की परमिशन है वो इसी बेस पर रहेगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि ज्यादा सख्त निर्देश जो है वो पत्रकारों के लिए भी निकल के आ जाए। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि जिस बात को लेकर बार बार यहां अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लिंक्स है, तो साफ तौर पर आप देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि पत्रकार बनकर यहां पर एंट्री ली जाती थी और उसके बाद ही यहां फोटोज जो है वो खिंचवाए जाते थे। लेकिन अब आगे की कार्यवाही क्या कुछ रहने वाली है ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए अमरनाथ यात्रा के लिए लगातार जत्थे जो है रवाना हो रहे हैं, लेकिन बेरुखी की वजह से अब कहीं ना कहीं यात्रा को रोकना पड़ा है। मौसम की बेरुखी ने कश्मीर से यहां अमरनाथ यात्रा को रोक दिया है। बालटाल और पहलगाम मार्ग से अस्थायी रूप से यात्रा को रोक दिया गया और बारिश की वजह से प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है। और जम्मू से यात्रा का सातवां जत्था कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया। पहलगाम बालटाल मार्ग पर भूस्खलन की आशंका के चलते यहां प्रशासन ने बालटाल व पहलगाम मार्गों से आज सुबह जो यात्रा का जत्था रवाना होना था उसे स्थगित कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, तेज बारिश के चलते श्री अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए आज यहां पर जत्थे को रोक लिया गया और जाहिर तौर पर तीर्थयात्रियों को मौसम साफ होने तक के लिए आधार शिविरों में ही रुकने के आदेश दिए गए हैं, अपील उनसे की गई है। और बारिश के बीच जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए सातवां जत्था आज रवाना कर दिया गया, जिसमें आज आप देखिए 6,351 श्रद्धालु इस पूरे जत्थे में शामिल थे। और प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना था कि कश्मीर घाटी में रात से ही बारिश हो रही है और जिसकी वजह से पहलगाम और बालटाल मार्ग पर बारिश के कारण भूस्खलन हो सकता है, जिसकी वजह से इस जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पहलगाम और बालटाल के अंदर यहाँ पर मौसम के हालात बने हुए हैं, बारिश वहां पर चल रही है, धुंध वहां पर छाई हुई है और उसके साथ साथ आप देखिए ऊपरी क्षेत्रों के अंदर की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू। और इस बीच में इस यात्रा के जत्थे को आज रोक दिया गया है। 6,351 यात्री जो है वो आज जम्मू से रवाना किए गए हैं सातवें जत्थे में, लेकिन श्रीनगर में इस पूरे जत्थे को रोक लिया गया है। अब आगे जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद किस तरह से इस जत्थे को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी ये फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अभी सामने नहीं रखा गया है। लेकिन कश्मीर घाटी में रात से ही बारिश का दौर जो है वो लगातार देखा गया है और पहलगाम बालटाल मार्ग पर बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बन चुका है। कल भी एक खबर सामने आई थी जिसमें घोड़ा जो है वो गिर जाता है नीचे खाई में, जिसकी वजह से काफी परेशानी और श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी और ऐसी कोई घटना सामने ना आए उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला सामने रखा है कि आज श्रद्धालुओं के जत्थे को रोक दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से कामकाज किया गया है, आधार शिविरों में ही रुकने के लिए यहां पर अपील की गई है श्रद्धालुओं से। और साथ ही जैसे ही मौसम साफ होता है उसके बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। और सोमवार की अगर बात करें तो पांचवें दिन भी करीब 19,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे और आधार शिविर भगवती नगर जम्मू में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसमें आप देखिए जिस तरह से आज 6,000 के लगभग यहां श्रद्धालुओं को जत्थे में रवाना किया गया है। तो साफ तस्वीरें भी आपको बालटाल और पहलगाम मार्ग से दिखा रहे हैं जहां पर जत्थे को रोक दिया गया है। तो फिलहाल यहां सुनसान इलाका जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आधार शिविरों में ही श्रद्धालुओं को रुकने के लिए अपील की गई है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो यहां से चढ़ाई चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जो फैसला सामने रखा गया है उसमें आज दर्शन नहीं करवाए जाएंगे क्योंकि मौसम खराब है और खराब मौसम होने की वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। इसी पर फिदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिदा, जिस तरह से आज जत्थे को रोक दिया गया है, क्या लगता है कि कब तक दोबारा से यात्रा के लिए इसे शुरू किया जाएगा? कोई आधिकारिक तौर पर फैसला कब तक सामने आ सकता है? जत्थे को रवाना किया जाएगा, लेकिन जत्थे को अभी जो है नॉर्मल बेस पे रोका गया है। देखा जाए तो क्योंकि जो बारिशें हुई, काफी ज्यादा बारिशें हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि यात्रा जो है इसको अभी थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। अब अंतिम फैसला जो है कुछ ही देर के बाद लिया जाएगा,
सकती है, डब्बे को आगे रवाना किया जाएगा या फिर रात भर उनको दूसरे रोज भी जो नुनून बेस कैंप है वहाँ पर ही रोका जाएगा, क्योंकि अभी मौसम में दस्तरी आ गई है, यहाँ पे धूप निकल आई है और लेकिन अभी फैसले का इंतजार है क्योंकि प्रशासन कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होगी जब वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन अभी पहलगाम का मौसम जो है वो ठीक हो गया है और जो बाकी मार्ग जो है वहाँ पर भी अभी जो खबर आ रही है कि वहाँ पर भी अभी मौसम में बेहतरी आई है। प्रशासन द्वारा जो है सभी जो सहूलियातें हैं यात्रियों के लिए पहले ही रखी गई है कि अगर मौसम खराब होता है तो क्या हम यात्रियों को तो उस तरह की जगह जो है उस तरह की जगह बनाई गई है, उस तरह की बेडिंग जो है वो उनके लिए पहले ही बनाई गई है ताकि यात्री को किसी तरह की मुश्किल जो है वो ना आए। आशा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से इंतजाम, क्योंकि मौसम खराब है, धुंध काफी तरीके से देखी जा रही है जो तस्वीरें सामने आई है और बर्फबारी का सिलसिला भी पहाड़ी इलाकों के अंदर जारी हो चुका है। देखिए आशा, सुरक्षा व्यवस्था तो चौकचौबंद है, वो तो पहले ही हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी क्योंकि जो आज से मौसम खराब है इसमें और समय लग सकता है और क्या यहाँ पे रुक रुक के बारिश जो है क्या वो कुछ देर के बाद शुरू होगी या फिर मौसम में बेहतरी होती है, लेकिन इसका निर्णय तो जो है यात्रियों को आगे जाने की कुछ देर के बाद ही लिया जाएगा कि क्या यात्रियों को आगे जाने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि देखा गया कि हर जगह पर यात्रियों के लिए सहूलियत रखने के लिए इसके लिए मार्ग है पहलगाम से लेकर पवित्र गुफा तक। बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात जो हैं वो बने हुए हैं क्योंकि मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से ही ये पूरे सूरत हाल यहाँ पर बनते हुए नजर आए, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि कब तक आगे बढ़ने की इजाजत भक्तों को दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का जो जत्था है उसे रोक दिया गया है, आज दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं और जब तक कोई फैसला सुनाया नहीं जाता तब तक आधार शिविर में रहने के लिए अपील की गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ में भी आप देखिए मौसम की वजह से किस तरह से नदी नाले जो है वो उफान पर आ चुके हैं, भारी बारिश की वजह से किश्तवाड़ में सिंथन नाला जो है वो उफान पर है और सिंथन नाले का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और कुल्लड़ और मड़वा नाले के जलस्तर में भी पूरी तरह से बढ़ोतरी हो चुकी है और प्रशासन की लोगों से यहां नालों से दूर रहने की अपील सामने आई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिला किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई थी कि आज के बाद यहां कुछ दिन तक भारी बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और भारी बारिश का खामियाजा यहां पर लोगों को भुगतना पड़ सकता है क्योंकि आप देखिए मानसून की बारिश यहां पर शुरू हो चुकी है, नदी नाले उफान पर हैं और भारी बारिश की वजह से किश्तवाड़ में सिंथन नाला भी उफान पर देखा गया है और सिंथन नाले का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, कुल्लड़ और मड़वा नाले से भी आप देखिए जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसमें आसपास के लोगों को अपील की गई है कि नदी नालों की तरफ रुख ना करें, वो उनसे दूर रहें क्योंकि किसी भी वक्त पानी जो है वो बढ़ सकता है, जलस्तर बढ़ सकता है और अचानक से जलस्तर अगर बढ़ सकता है बढ़ जाता है तो काफी परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं और प्रशासन ने लोगों से अब नदी नालों से दूर रहने की अपील कर दी है और भारी बारिश की वजह से ही किश्तवाड़ में सिंथन नाला उफान पर है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए बहाव किस तरह से तेज है पानी का और अगर इतना तेज बहाव होता है तो आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं क्योंकि जो लोग अपने माल मवेशी लेकर इस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें दूर रहने की जरूरत है क्योंकि यहां पर एक बड़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ सकती है, इसलिए बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि नदी नालों का रुख ना करें। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है लेकिन नदी नाले काफी तरीके से उफान पर हैं, प्रशासन ने भी अपील कर ली है, क्या कुछ है इस वक्त वहां पर ताजा अपडेट? जी बिल्कुल आशा, देखिए करीब एक हफ्ते से जो मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है उससे जिला किश्तवाड़ के 3 साफ डिवीजन है पाडर, मड़वा, छात्रु, जहां पर इस समय प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पाडर का जो मजीद नाला है वहां पर ऑलरेडी 2 ब्रिज, एक 30 जून को चिशोती का पुल वॉश आउट हो गया और 3 जुलाई को जो कुटेल का ब्रिज था वो वॉश आउट हो गया है। उसके पीछे यही वजह जो जल स्तर बढ़ा के नाले का, उसके बाद हादसे हुए। इसके साथ आज जो रात बारिश गिरी उसके चलते सिंथन का जो नाला है उसमें पानी का जलस्तर बढ़ गया है, सिंथन मार्ग बंद कर दिया गया है, कुछ जगहों पर वहां पर लैंडस्लाइड भी है, हालांकि उसको उठाने का काम शुरू कर दिया गया लेकिन जो जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जो मड़वा में एक कुल्लड़ नाला है जो 9 बजे तक पहुंचता है, जो मरुसूत्र में बाद में जाके मिलता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो खबरें हमारे पास आ रहे हैं कि ऊपर पहाड़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिस वजह से जलस्तर उस नाले का इस तरह बढ़ा हुआ है, जो जमीन था उसका आसपास की एग्रीकल्चर जमीन थी उसमें कटा हुआ है,
जो फसल थी वो तबाह हो गई है। जो एसडीएम से हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी तरह से प्रशासन जो लोगों को भी हिदायत दी है कि इस तरह से जल स्तर बढ़ने के चलते आप इन वाटर बॉडी से दूर हैं। खासकर जो मड़वा वार्डन पाडक और छात्रों इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं और ऊपर ग्लेशियर इस टाइम पिघल रहे हैं, वही जो बारिश है और ब्लास्ट की जताए जा रहे हैं, उसके चलते चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लेकिन जो पाडर में स्थिति बनी हुई है उसके चलते जो मचेल यात्रा के श्रद्धालु में कई हमारे पास खबरें हैं कि वो मचेल बार और आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कुनेल का ब्रिज है वॉश आउट हो गया है, उसको अल्टरनेट बनाना के बाद खोज की मदद से उसमें हफ्ते बारिश होना, तो यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटी है और प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता है। मानसून तो होने हैं, बारिश भी होनी है, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से पहले क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि दावा तो बहुत बड़ा पेश किया जाता है कि मानसून आने से पहले यहाँ पर हर तरह से अलर्ट है और काम भी किया गया है, लेकिन आप देखिए जिस तरह से बादल फटने की भी घटना सामने आई, वहां पर क्या मुआवजे को लेकर काम किया गया और जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं उनके ठहरने की क्या वहां पर कोशिश जो है वो की गई है, क्या बंदोबस्त उनके लिए किया गया है, उन्हें वहां से कैसे लाया जाएगा? देखिए, जहां तक जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से नुकसान हुआ है उसका अभी आंकलन नहीं शुरू किया गया, क्योंकि अभी वाटर राइज पर है। जो अब ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं सुबह की तस्वीरें हैं, अभी प्रशासन की जो प्रायोरिटी जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जो वहां पर खतरा पैदा हो गया उससे जूझने की है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई उनका कहना है इस तरह की कोई डायरेक्शन आई नहीं है, आने वाले दिनों में उस पर काम किया जाएगा। हाँ, जहां तक प्रशासन की बात की जाए खासकर मचेल नाले को लेके कई सवाल खड़े हो गए हैं। आरएनबी के कामकाज को लेकर चिश्ती का ब्रिज था करीब 50 दिन के बाद ही बह गया, क्या कारण था कि उन्होंने अलाइनमेंट ऐसे बनाया कि ताकि जगह बनाया कि यहाँ पर ऑलरेडी खतरा का दिशा था। उसके साथ साथ जो कुंडेल का ब्रिज था वो भी करीब 1 साल पहले ही बना था, जो डिपार्टमेंट की नॉन सीरियस एटीट्यूड है उस वजह से जहाँ इस इलाके की दर्जनों गांव कटे हुए हैं, वही जो मचेल यात्रा है उसके लेके भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर जो आरएनबी का काम है, जो सड़कें वहां बनानी थी, जो पुल वहां पर बनाने थे उसको लेके, मतलब इस बार भी सवाल वही है कि कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा और जो पुल बनाया गया वो भी महज 50 दिन में ही बह गया है। जी बिल्कुल, देखिये ये जो एक कंफ्यूजन है मचे हजारों की संख्या में आबादी वहां पर रहती है, क्या कारण है ये वहां पर मांग उठी है कि इस सारे मामले को लेकर प्रकरण को लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दोषी है चाहे इंजीनियर है ठेकेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और एक अनिश्चितता का माहौल जो है मचे जाते को लेकर देखा जा रहा है। खासकर जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं वो लोगों के घरों में है, जो हमारी बातें हुई है मचेल दरबार के आसपास के लोग के साथ, कुछ लोग तो जंगल के रास्ते निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बताया जा रहा है कि घरों में रहे, ताकि जो मौसम ठीक हो तो फिर भी आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा ध्यान में रखे और कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक माहौल अजीब सा वहां पर खड़ा होकर हमें सामने नजर आ रहा है। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मचेल में भी आप देखिए स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं वो इस वक्त वहां फंसे हुए हैं, उनके रहने खाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, आम लोगों के घरों के अंदर वो ठहरे हुए हैं, जिस पर प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। और दूसरी तरफ आपने देखा कि रोड कनेक्टिविटी भी बिल्कुल भी नहीं है वहां, और पुल जो बनाया गया था वो भी बह गया है, यानी मानसून की पहली बारिश में ही किस तरह से पुल खुलती हुई नजर आ रही है। रोड विभाग की इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा में भी आप देखिए पुलिस पार्टी पर किस तरह से हमला कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है। सांबा में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और साथ ही साथ बलोल खंड इलाके में पुलिस पार्टी पर स्थानीय लोगों ने यह हमला कर दिया है और लगातार आप देखिए रोष किस तरह से है और चोरी के मामले की तफ्तीश करने बलोल खंड यहां पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद ये बड़ा हमला किया गया। बाड़ी भामना पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और बाड़ी भामना पुलिस स्टेशनों में आरोपियों के खिलाफ अगर मामला दर्ज किया गया है तो किस तरह से पुलिस ने काम किया और कहीं ना कहीं जनता जो है वो आक्रोश में आती हुई नजर आ रही है। चोरी के मामले की ये पूरी घटना है, मामले की तफ्तीश करने यहां बलोल खंड पहुंची पुलिस और बलोल खंड इलाके में पुलिस स्टेशन पर स्थानीय लोगों ने ही हमला कर दिया है।
और सांबा में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट और आपको ये भी बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग के मामले, चोरी के मामले जिला सांबा के अंदर बढ़ रहे हैं, पशु तस्करी के मामले जिला सांबा के अंदर बढ़ रहे हैं, जो एक सवालिया निशान पुलिस पर खड़ा करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच में आम जनता से भी सहयोग मांगने की कोशिश की गई, लेकिन कितना सहयोग यहां पर आम जनता ने दिया वो अब आपको साफ दिख रहा है। जहां पर आप देखिए आम जनता रोष में और चोरी के मामले की तफ्तीश के लिए ही पुलिस यहां पर पहुंची थी, जिसमें आम लोगों ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया है और जानलेवा हमले में पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर और चोरी के मामले की तफ्तीश करने के लिए ही पुलिस अपना काम कर रही थी यहां पर पहुंची थी। बारी भ्रामना पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन इस बीच में पुलिस पार्टी पर ही जानलेवा हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि एक तरफ आप देखिए चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ चैन स्नैचिंग के मामले और साथ ही साथ पशु तस्करी के भी मामले यहां पर बढ़ते हुए नजर आए थे। और कुछ दिन पहले अगर ड्रग्स की बात करें तो नशों को लेकर भी यहां कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता हुआ जरूर नजर आया था। लेकिन इस बीच में सहयोग आम जनता से मांगा क्या है, आम जनता से संवाद स्थापित किया गया, लेकिन इस बीच किस तरह से संवाद जो वो हुआ है, सहयोग किस तरह से किया गया आम जनता की तरफ से, वो साफ तस्वीरों में भी आपको दिखाएंगे। ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, इससे पहले आप देखिए चोरी की घटनाएं, स्नैचिंग की घटनाएं, पशु तस्करी के मामले, नशे से जुड़े हुए भी मामले, लेकिन उस बीच में आम जनता का सहयोग मांगा गया, लेकिन आज यहां जानलेवा हमला पुलिसकर्मी पर ही हो गया है। लगातार इलीगल एक्टिविटीज जिला सामा में देखी गई है, खासतौर पर अगर चोरी की वारदातें बढ़ने की बात हो या फिर जिस तरह से आपने पशु तस्करी का जिक्र किया या फिर नशे की तस्करी का जिक्र करें, तो कहीं ना कहीं कुछ समुदाय विशेष के शरारती तत्व है जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से बड़ी मामला पुलिस टीम जो है वो यहाँ चोरी के मामले को सॉल्व करने के लिए जाती है, एक इलाके में रेड किया जाता है पुलिस की तरफ से जो की बड़ोल खड का इलाका है, और यहीं पर जब ये पुलिस पार्टी जाती है तो इसमें कुछ अननोन जो समुदाय विशेष के लोग है वो इन जो पुलिस का जो अमला वहां पर गया, जो गाड़ी वहां पर वो लेकर गए थे, उस गाड़ी के ऊपर जो पथराव किया जाता है और गाड़ी जो वो आगे से उसके जो शीशे हैं वो टूट जाते हैं, इसमें 2 पुलिसकर्मी भी बताया जा रहा है कि इंजर्ड हुए हैं। और इसमें जो अलग अलग धाराएं जो पुलिस की तरफ से लगाई गई है 353, 332, 336, 323, 147, 148, 149, ये अलग अलग धाराएं जो है वो आईपीसी की लगाई गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी तक जो ये समुदाय विशेष के कुछ लोग हैं ये बताया जा रहा है कि अभी तक ये पकड़ में नहीं आए, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्द जो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे, जिसमें 2 जो पुलिसकर्मी जिनका बताया जा रहा है कि एक कांस्टेबल है और एक एसपीओ है। क्या लगता है ऋषि कि पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं उस पर सही से तफ्तीश नहीं कर पाई है पुलिस और रोष आज देखने को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़े हो रहे थे? देखिए लगातार सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर खड़े हुए हैं और हमने भी लगातार कहा कि इतनी ज्यादा इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इसमें कोई बड़ा स्टेप लेने के लिए जो वो आगे नहीं आ पा रही है। और जब आपने 2 दिन पहले भी देखा कि बड़ी मामला विजयपुर में एक स्नैचिंग का मामला सामने आता है, एक महिला से 2 नकाबपोश चोर जो वो बैग छीन कर चले जाते हैं और उसमें बताया गया कि काफी ज्यादा आइटम गोल्ड आइटम्स की कैश है, एक मोबाइल फोन था, लगभग 3 लाख रुपए के आसपास का जो नुकसान उस महिला को हुआ, लेकिन पुलिस ने इसमें गहनता से काम किया और बताया जा रहा है कि जो स्नैचर था वो राजौरी इलाके का रहने वाला था और उसे रियासी इलाके से जो वो सांबा पुलिस ने पकड़ा है और ये तमाम 3 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी भी की है और 4 दिनों के भीतर ये मामला जो। लेकिन ऋषि यहाँ पर सवालिया निशान फिर वही है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर स्नैचिंग का काम कर रहे हैं, चोरी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लगाम नहीं लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आती है, ये पेश आई है, तो ये भी चोरी के सिलसिले में, यानी जो चोरी का एक कोई और केस था उसी को सॉल्व करने के लिए पुलिस रेड करती है और रेड के दौरान ये हमला किया जाता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लगातार अपने आप की अपनी छवि जो वो ठीक करने में लगी हुई है, जो लगातार सवालिया निशान पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब ये पुलिस थोड़ा सा एक्टिव होती नजर आ रही है तो ये एक्टिवनेस 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लगातार ये चाहिए और क्राइम जितना जल्दी खत्म हो जाए जिला सांबा से उतना अच्छा होगा, लोगों की जिंदगी जो वो कहीं ना कहीं दाव पर भी लगना शुरू हो चुकी है, कई लोगों के ऊपर हमला किया गया है तो लोग कहीं ना कहीं अपने आपको सेफ नहीं समझ रहे हैं, लोगों के अंदर एक डर भय का माहौल बना हुआ है और उसी के सिलसिले में जो पुलिस के ऊपर पूरी वारदात जो हो जाती है
हमला किया जाता है, तो अब पुलिस ने अलग अलग ऋषि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नशे के मामले बढ़ गए हैं जिसकी वजह से नशा खरीदने के लिए या फिर किसी और कारण के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है? अक्सर अमूमन इस तरह से देखने को भी मिलता है और आम लोगों की तरफ से भी बताया जाता है। बिल्कुल, अभी आपने कुछ दिन पहले तो देखा कि किस तरह से लोगों से सहयोग मांगा गया था पुलिस की तरफ से, और कहीं ना कहीं यही एक जो एक एक स्टेप लेकर पुलिस आगे चल रही है कि अगर लोगों का सहयोग मिलेगा तो शायद इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ना जो वो आसान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो पुलिस को ऑन ग्राउंड आकर करनी पड़ेगी अगर इस तरह के क्रिमिनल्स को दंड दबोचना है, क्योंकि लोगों के लिए जो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, लोग अपने घरों को बंद करके नहीं जा सकते हैं। कहीं जिस तरह से आपने देखा कि अब बच्चों को छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है, तो लोग डर के कारण नहीं जा रहे कि न जाने हम घर से बाहर जाएंगे तो पीछे से कोई ऐसा चोर जो वो घर पर आकर धावा बोल देंगे, तमाम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने ये खुद देखा है कि लगातार लोगों के घर टारगेट हुए हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हुई है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो एक सवालिया निशान खड़ा करती हुई नजर आई। लेकिन इस वक्त आप देखिए किस तरह से पुलिस विभाग को जिला सांबा के अंदर काम करने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।